हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सोनम यादव, कंसल्टेंट ऑप्शन गायनी। आज के सेशन में हम बात करेंगे गर्भावस्था का तीसरा महत्वपूर्ण सप्ताह। तो आइए अब हम जानते हैं कि गर्भावस्था के तीसरे महत्वपूर्ण सप्ते में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। दूसरे सप्ताह के आखिरी दिनों में या तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में ओवुलेशन हो जाता है, और ओवुलेशन के वक्त जब एग बाहर आता है तो पेट में हल्का सा दर्द महसूस होता है, और इसमें जो कभी कभी देखा जाता है कि स्पॉट्स भी रिलीज हो जाते हैं, और जो वजाइनल सिक्रीशन रहता है उसमें भी बदलाव देखने को मिलते हैं। और यह सिक्रीशन जो होता है वो कभी कभी एक्सेसिव हो जाता है, और ओवुलेशन के बाद बाहर निकले हुए जो एग हैं वो फेलोपियन ट्यूब जो होती है उनको अंदर की ओर खींच लेता है, और ये एग जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब में बैठ जाते हैं। एग बाहर आने के बाद उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल 12 से 18 घंटे तक ही रहता है, और इस दौरान इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म रिलीज होता है तो उसकी फर्स्ट टू ड्रॉप्स जो होती हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणु रहते हैं, और वे शुक्राणु 2 से 3 मिनट में ही फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। लगभग सैकड़ों शुक्राणु 2 से 3 मिनट में ही अंदर पहुंच जाते हैं, और ये एक साथ एग के रहते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ही शुक्राणु जो है वो एग के अंदर पहुंच पाता है, और जैसे ही ये शुक्राणु एग के अंदर एंटर करता है वैसे ही उसका कवर जो होता है वो बंद हो जाता है, और दूसरा कोई भी शुक्राणु अंदर नहीं जा सकता है। और जो एग और स्पर्म हैं वो दोनों मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण तैयार होता है वह तीसरे हफ्ते में भ्रूण गर्भनलिका या फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन तक ये भ्रूण एक छोटे से बॉल जैसे शेप में होता है, जिसे हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं, और ये ब्लास्टोसाइट यूट्रस के अंदर के लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। हमारे प्रत्येक एग में 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है जो कि एग में एक्स क्रोमोसोम्स रहता है। जब एग से एक्स क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म के साथ मिलन हो गया तब हमारी बिटिया पैदा होती है, और जब एक्स का वाई क्रोमोसोम्स के स्पर्म्स के साथ मिलन हो गया तो हमारे बेटे पैदा होते हैं। तो बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो तीसरे हफ्ते में ही डिसाइड हो जाता है कि बेबी के फीचर्स कैसे हैं या उनका सेक्स क्या है, ये सब तीसरे हफ्ते में ही पता चल जाता है। और जब ब्लास्टोसाइट एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है तो ब्लास्टोसाइट के बाहरी मेम्ब्रेन से प्लेसेंटा बन जाती है, जहाँ से बेबी को ब्लड मिलना शुरू होता है। ब्लास्टोसाइट के अंदर मांसपेशियों का एक छोटा सा गड्ढा रहता है जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, और ये इनर सेल मास से बेबी के सारे अवयवों का निर्माण होता है, जैसे कि ब्रेन तैयार होता है, उसका हार्ट तैयार होता है, और उसकी मांसपेशियाँ तैयार होती हैं। तो हमने इस वीडियो में जान लिया कि गर्भावस्था के तीसरे महत्वपूर्ण सप्ते में हमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे पता चलता है, और उससे बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, या उसके अवयव किस तरीके से निर्माण होते हैं, और एग के साथ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये सब हमने इस वीडियो में जान लिया। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरी मेल आई डी पर मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।